व्रती महिलाओं ने सोमवार सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने व्रत को समाप्त किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने तालाबों में अपने परिवार सहित पहुंचकर छठी मैया की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। 4 दिन से चले आ रहे छठ महापर्व का समापन सोमवार को उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ हुआ। आस्था के महापर्व छठ को मनाने बैकुंठ धाम तालाब में सोमवार सुबह हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। श्रद्धालुओं ने तालाब में परिवार सहित आकर छठी मैया की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान आस्था का अलग नज़ारा देखने को मिला। सोमवार सुबह 5 बजे से ही बैकुंठ धाम तालाब का परिसर श्रद्धालुओं से भर चुका था। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य की कामना की। छठी मैया की पूजा अर्चना विभिन्न सामग्रियों से कर भोग लगाया गया। जैसे ही सूर्य देव का उदय हुआ, वैसे ही तालाब में मौजूद हजारों की संख्या में व्रती महिलाओं ने उन्हें अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूरा किया। छठी मैया की पूजा अर्चना को लेकर तालाब परिसर में आए हजारों श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। यहाँ यूपी बिहार के अलावा अन्य समाजों से आए लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। तालाब में सुबह से ही एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा था। कामना पूरी होने या फिर कामना लेकर पहुंचे लोगों में एक विशेष उत्साह भी देखने को मिला। छठ महापर्व, यहाँ महापर्व एक ऐसा पर्व है जहाँ की साक्षात सबसे पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, वही दूसरे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देकर सूर्य देव की उपासना करते हैं। और इस छठ महापर्व के पर्व पर जहाँ यूपी, बिहार, झारखंड सहित आज विभिन्न प्रांतों के लोगों के द्वारा 36 घंटे सूर्य देव की उपासना करते हैं, ऐसे व्रतधारियों को बधाई देने विगत वर्षों की भांति हम लोग विभिन्न छठ तालाब में पहुंचकर छठ माता बहनों का जहां आशीर्वाद लिया है, उन्हें बधाई भी दी गई। और आज यहां की छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज की ओर से मेरे द्वारा जहां शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दी गई है, वही आज सुबह प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ देकर देश प्रदेश एवं सभी के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना की गई। और छठ हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा पर्व है ये, और छठ मैया से जो मांगो वो मंजूर होता है। आज 35 वर्षों से हर्षोल्लास के साथ हम छठ करते हैं। जब हमारी मन्नत पूरा होती है, हम कोसी भरते हैं पाजा के साथ, मन्नत पूरा होता है तो छठ मैया के घाट में हम महिलाओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ये वो महिलाएं हैं जिनके द्वारा कल डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया था, आज इनके द्वारा उगते सूरज को अर्घ्य देने के पश्चात 4 दिनों से चले आ रहे समाप्ति हो गई। अभी तक सूरज निकला नहीं है, उसी महिलाओं द्वारा है कहाँ भी महापर्व को मनाने
बार बार दूसरे अन्य प्रदेशों में नौकरी करते हैं, वो अपने गाँव पहुँचते हैं, अपने मूल स्थान पर पहुँचते हैं, ताकि इन लोगों को आगे बढ़ाकर पूरे दिन बिहार का साथ बनाया जा सके। अभी देख सकते हैं इस वक्त बैकुंठ धाम में पूरा पूरी भीड़ लगी है, इसका अंदाजा लगा करना मुश्किल है। लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है, कुछ देर पश्चात सूर्य जो भी उदय होंगे उनकी समाप्ति के पश्चात ही इस पर्व की समाप्ति अति कठिन मिले।